असलम जी वेलकम बैक टू माई चैनल तो आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग सी है बहुत मज़े की आपने टाइटल ऑलरेडी पढ़ लिया होगा अच्छा तो मैंने ना दराज से बहुत ही अफोर्डेबल मेकअप प्रोडक्ट्स बाई की हैं सब कुछ लिया है मैंने इवन प्राइमर फाउंडेशन आपका जो लूज़ पाउडर होता है लैशेज इवन लैश ग्लू तक लिया है मैंने तो मेरा आइडियासल में यह था कि हम महंगे प्रोडक्ट्स का रिव्यू वगैरह तो करते ही रहते हैं और जो अच्छा होता है वो बता देती हूँ आपको मैं लेकिन इस बार मुझे ऐसे प्रोडक्ट्स बाय करने चाहिए जो कि बहुत सस्ते हों मतलब हमारी सोच से भी ज़्यादा सस्ते हों इतने के दो के डेढ़ के मिल जाए तो अब मैंने ये ऑर्डर कर लिया है पार्सल सामने पड़े हुए हैं इनको भी मैं अनबॉक्स करूँगी फिर मैं इनको ट्राई करने वाली हूँ ट्राई करके आपको मैं इसी वीडियो में रिव्यू भी शेयर करूँगी बाय द वे लुक एट माई नेल्स मुझे बड़े पसंद है ये वाले फेक नेल्स यही है लेकिन मैंने काफी वीडियो में यूज भी किए हैं तो मुझे कमेंट्स वगैरह आते थे कि कहाँ से लिया आपने तो सारे के सारे में जो फेक नेल्स होते हैं वो दराज से बाय करती हूँ ये स्टोर है मैंग के नाम से इसका लिंक आपको मिल जाएगा काफी अच्छे और सस्ते नेल्स होते हैं चलो नाउ कमिंग बैक टू द वीडियो अब ऑर्डर करते टाइम मैंने पता ही क्या किया था मैंने सर्च बार में अपनी जो मुझे रिक्वायर्ड प्रोडक्ट था जैसे कि फाउंडेशन हाईलाइटर कुछ भी वो लिखा मैंने और फिर फिल्टर के ऑप्शन पर जाकर मैंने प्राइस लो टू हाई कर दिया तो उसमें जो सबसे कम प्राइस वाले थे वो फर्स्ट पे आ लेकिन मैंने बस ऐसे ही ना सस्ते वाले नहीं लिए मैंने वो लिए जो कि सस्ते होने के साथ साथ ज्यादा लोगों ने बाय भी किए कि यानी जिनकी टॉप सेल्स होगा ये हो ना सबकी हेल्प भी हो जाएगी और फिर भी काफी सस्ती चीजें मिली हैं यार मतलब आज की वीडियो में एक प्रोडक्ट ऐसा है जो कि थर्टी फाइव रुपीस से स्टार्ट हो रहा है तो एम श्योर आपको इंटरेस्ट डेवलप हो गया होगा विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो ये पार्सल सारे सामने पड़े हुए हैं जी मैंने ऑर्डर किए थे कोई एक हफ्ते पहले अभी आपके सामने मैं इसको अनबॉक्स करने लगी हूँ आपको मैं थोरोली दिखाती हूँ क्या क्या चीज़ें आई हैं फिर इसको मैं सही से ट्राई करूँगी फिर आप लोगों के साथ इसी वीडियो में रिव्यूज़ भी शेयर करूँगी सारे प्रोडक्ट्स के तो आज की वीडियो में जो जो चीज़ें आपको दिखने वाली हैं एज़ यूजल उनका तमाम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आपको कुछ चीज़ पसंद आए बाय करनी हो तो उस लिंक से बाय कर लेना चलो जी पहले खोलते हैं ये वाला पार्सल और काफ़ी भारी पैकेज हो रहा है ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर पहले मैं सारे निकाल लेती हूँ फिर मैं क्यों करके आप लोगों को दिखाती हूँ अच्छा तो सबसे पहले जी हमारे पास है ये अप टाउन एल एच डी प्रोफेशनल मेकअप पोर्स प्लस ऑयल कंट्रोल फिक्सिंग पाउडर तो ये लूज़ सेटिंग पाउडर है जो कि हम लोग बेकिंग वगैरह के लिए यूज़ करते हैं फेस पे सेटिंग के लिए यूज़ कर रहे होते हैं अच्छा तो इसके बाद ये क्यूट से लाइल कलर के बॉक्स में हमारे पास है डेजी मी के लिक्विड फाउंडेशन तो ये इसका कार्डबोर्ड का बॉक्स है सब कुछ चाइनीज़ में लिखा हुआ है सो कंट्रोली इट इसको अंदर से निकाल के दिखाती हूँ मैं और ये है जी बॉटल एंड आई मस्ट से बहुत ही प्यारी बॉटल है काफ़ी थे ये ओपेक ग्लास की बॉटल है इसका क्या प्लास्टिक का है और देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रही है मतलब वैनिटी को रखी हुई प्यारी लगेगी और जितनी सस्ती है उसके हिसाब से तो मतलब बेस्ट पैकेजिंग है तो इसको मैं ट्राई व्राई करूँगी फिर आपको इसका स्वॉच वगैरह भी दिखाऊँगी और इसकी रिव्यूज भी शेयर करूँगी अच्छा जी इसके बाद हमारे पास है जी ये प्राइमर लोकल प्राइमर है और नाम इसका ये एच यू एक्स है ये लिखा हुआ है हुदा ब्यूटी का लोगो लगाने की कोशिश की है और नीचे लिखा है वन ट्वेंटी शेड ये पता नहीं क्यों लिखा हुआ है और नीचे है मैट प्लस पोर्डलेस अच्छा लोगो हुदा ब्यूटी का है और मैट प्लस पोडलेस में ब्रीन फिटमिंग वाला है कुछ तो गड़बड़ है लेकिन खैर पैकेजिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं अगर काम अच्छा करेगा तो बस गुड है अच्छा इसके बाद ये ब्लैक कलर के बॉक्स में हमें मिला है स्पेन लिखा हुआ है पीछे शेड नंबर है जीरो टू और इसको खोल के देखते हैं कि इसमें क्या है मुझे ख़ुद भी नहीं समझ आ रहा अच्छा आई फिगर डट आउट तो ये जो वो एक्वा कलर के वेट केक्स होते हैं पेन केक्स होते हैं ना जो थोड़े से गीले गीले से होते हैं जिसको हम स्पंज वगैरह से गीला करके लगाते हैं बेस वगैरह बिल्ड करते हैं तो ये वो चीज़ है सॉच ही आपको मैंने फिंगर पर दिखा दिया है एंड इस प्राइज में देखें इसमें पैकेजिंग काफ़ी अच्छी है मिरर भी दिया हुआ है और मुझे कवरेज देखने में तो अच्छी लग रही है बाकी ट्राई करके बताऊंगी नेक्स्ट हमारे पास है जी ये बबल रैप हुआ हुआ है कार्डबोर्ड बॉक्स इसके अंदर क्या है अच्छा जी ये है जी सिटी कलर का बी मैट ब्लश तो ये एक ऑर्डर किया था मैंने ब्लश अलग से बिल्कुल मैट है एंड कलर इसका मुझे कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा है देखने में मतलब इतना कूल टोन वाला पिंक मैंने कभी यूज़ नहीं किया लाइट है मतलब ये बहुत 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 फेयर स्किन जो अंग्रेज वगैरह बह होते हैं उन पर यह सूट कर जाएगा कलर बट एशियन स्किन टोन पर मुश्किल है बट फिर भी ट्राई करेंगे अच्छा जी ये पैकेज हो गया कंप्लीट अब मैं खोलती हूँ दूसरा पैकेज तो ये सामान निकाल लिया है इसमें से अब मैं आपको एक करके दिखाती हूँ तो सबसे पहले जी हैं ये ख़तरनाक सी लैशेज़ ये मिसरोज़ की जीरो सेवन टू थ्री डी लैशेज़ हैं यार ये सच्ची में बहुत ज़्यादा हैवी हो गई तो बिल्कुल ब्राइडल लैशेज़ लग रही हैं लेकिन देखने में काफ़ी रियलिस्टिक लग रही है प्लस मैंने टच करके देखा है ना तो उसके जो बाल हैं वो बिल्कुल मतलब वो प्लास्टिक वाली जो होती हैं वो नहीं है ये रियल हेयर है जैसे हैं तो अगर आप अच्छी वाली लोगे इसमें से लाइट सी लोगे तो वो लैशेज़ अच्छी होंगे आई गेस अच्छा इसके साथ जी मैंने लिया था ये लैश ग्लू क्योंकि मेरा ख़त्म हो गया था और मैंने कहा ट्राई भी कर लूँगी सस्ता है आप लोगों को बता भी दूंगी तो ये है जी डुओ का स्ट्रिप लैश एडेसिव ग्लू और इसके अंदर जी ये है हमारे पास ग्लू की ट्यूब और वाटर प्रूफ लिखा हुआ इस पर क्लियर वाइट है यानी ट्रांसपेरेंट है तो नज़र नहीं आएगा बाद में ग्लू जो व्हाइट वाइट से नजर आते हैं वैसा नहीं है अच्छा साथ में इसके ये कोई टूल आया है के लिए इसका इस्तेमाल मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कैसे होगा बट आई थिंक ये लैश लगा के मतलब सेट करने के लिए होता है जो उसके एंड निकल जाते हैं ना अगर आप इसे प्रेस करोगे तो शायद सेट हो जाएगा लेकिन इतना बारीक उसका आगे से नहीं होता है बट खैर ट्राई करेंगे बताएंगे फिर कैसा है ये इसके अलावा जी मेरे पास है ये बहुत क्यूट चीज़ है ये मुझे पता है इसमें क्या है शेड है जी इसका जीरो वन और ये है जी मिस लारा का ब्लशर एंड हाइलाइटर इतनी कोई मजे की चीज़ है ना मैं दिखाती हूँ आप लोगों को ये देखो इसकी पैकेजिंग चेक करो सबसे पहले कितनी क्यूट लग रही है सही बताओ मैंने पैकेजिंग के लिए लिया है मुझे बहुत प्यारा लगा था ये और ये इसके अंदर हमारे पास तीन कंपार्टमेंट्स हैं सबसे पहले ये रोज़ गोल्ड डल गोल्ड टाइप का हाइलाइटर है हमारे पास सेकंड पे हमारे पास पिंक कलर का मैट ब्लश है और लास्ट में अगेन ये हाइलाइटर ही है ये पिंक टोन में और सबसे ऊपर इसका छोटा सा मिरर भी लगा हुआ है मतलब पैकेजिंग बहुत प्यारी है कंपार्टमेंट इसके बहुत छोटे हैं मतलब साइज इसका पूरा डेढ़ से दो इंच तक का है लेकिन बहुत क्यूट लग रहा है और इसको मैं स्वाच वगैरह करूंगी ट्राई करूंगी अगर पिगमेंटेड होगा लॉन्ग लास्टिंग होगा फिर तो बेस्ट चीज़ है और छोटा सा ट्रेवल साइज है तो आराम से बैग में भी इसको डाल के कैरी कर सकते हैं अच्छा जी इसके अलावा ये पैकेज हो गया हाँ इसके अंदर बस ये तीन चीज़ें थी ये वाला पैकेज है जी इसको खोल के देखते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ें हैं अच्छा ये इसके अंदर कोई एक ही बॉक्स है और इसमें ओ इसके अंदर लिपस्टिक्स हैं अच्छा ये बड़ी क्रेजी चीज़ देखी थी आपको बताती हूँ तो दराज पे ना मैंने ये लिपस्टिक्स जब सर्च किया और मैंने लो टू हाई किया तो वैसे तो सिंगल लिपस्टिक्स आ रही थी फिर थोड़ा स्क्रॉल डाउन किया मैंने तो ये बारह लिपस्टिक का पैक आया गेस करो कितने में फ़ोर ट्वेंटी नाइन रुपीज़ में चार सौ रुपये की बारह लिपस्टिक यानी कि एक लिपस्टिक पड़ी कोई पैंतीस रुपए की मैं तो फुलन शॉक में आ गई खैर मैंने फटाफट ऑर्डर किया इसको और अब ये जी हमारे पास पैकेज आ गया है ये बारह लिपस्टिक्स हैं इसके अंदर जो कि बहुत सस्ती हैं आपको मैं खोल के दिखाती हूँ बल्कि पहले इसकी आपकी पैकेजिंग देख लो इस पर लिखा हुआ है काइली कलर लिपस्टिक और प्लास्टिक की मतलब बहुत ही लोकल प्लास्टिक की लिपस्टिक है बट नो प्रॉब्लम अगर काम अच्छा करेगी पिगमेंटेड होगी लिपस्टिक अच्छी होगी तो फिर प्रॉब्लम नहीं है पैकेजिंग से अच्छा ये आपको मैं खोल के दिखा रही हूँ ये डार्क डीप कोई मरून कलर है इसका स्वॉच करता है ताकि आपको आइडिया हो जाए अच्छा ये एक सॉच में इतनी पिगमेंटेड नहीं आ रही है बट इसको दो तीन अगर रगड़ रगड़ के आप करोगे तो उसका पिगमेंट अच्छा डेवलप बाकी इसकी परफॉर्मेंस कैसी है स्मच प्रूफ है नहीं है लॉन्ग लास्टिंग कितनी है सब लिपस्टिक का पिगमेंट है खाली एक का ही है वो सब मैं आपको एंड में बताऊँगी जब मैं ये रिव्यू कर चुकी हूँ अच्छा जी अब आई थिंक ये लास्ट पैकेज बचा बजाई वाला इसको खुल के देखते हैं कि इसके अंदर क्या चीज़ें हैं तो ये इसको कर लिया है ओपन एंड ये सबसे पहले आ गया जी हमारे पास एक इधर लाइनर और मस्कारा लाइन ही वाला मैं बहुत पहले यूज़ कर चुकी हूँ उस टाइम तो ये बहुत अच्छा था अब मुझे नहीं पता ये कैसा है तो ये इसकी पैकेजिंग है देख लें आप प्रिसीजन लिक्विड आई लाइनर थ्री सिक्सटी आर के नाम से जाना जाता है ये और वाटर प्रूफ होता है ये इसको ट्राई करेंगे तो बताएंगे मस्कारा ये बड़ा डिफरेंट सा है जो मैंने ऑर्डर किया था मैंने ये थ्री सिक्सटी आर वाला किया था लेकिन ये कुछ अलग मस्कारा आया है बट देखने में काफ़ी अच्छा कूल सा लग रहा है इस पर लिखा है मस्कारा वॉल्यूमिनाइज़र और अच्छा इसके अंदर ये दो स्टेप्स हैं स्टेप वन और स्टेप टू इसके पीछे लिखा हुआ है स्टेप वन में है दी ब्रश प्रिपेयर्स फॉर थ्री डी वालीम गारंटीड क्लम्प फ्री स्टेप टू में है दी ब्रश ट्रांसफॉर्म्स टू क्रिएट स्पेक्टेकुलर थ्री डी वॉल्यूम इसको खोल के देखते हैं तो ये भी वाटर प्रूफ है और वॉल्यूमिनाइजर मस्कारा है पहला वाला ये इसका है अच्छा ये ब्रश में वो जो मस्कारा होता है ना वो क्लंप नहीं होगा तो आपके लैशेस पे भी वो क्लंप नहीं होगा लैशेस को अलग अलग करके रखेगा आई थिंक ये ब्रश करेगा सॉर्ट sort ऑफ of. और सेकंड वाले स्टेप में जी ये अच्छा ये नॉर्मल मस्कारा है सही तो स्टेप वन में आपके लैशेस को ब्रश करेगा और उसको रेडी करेगा वॉलीमिनइज़ करने के लिए और स्टेप टू में नॉर्मल मस्कारा लगेगा जिससे वॉल्यूम आ जाएगा तो काफ़ी अच्छे कूल्स है काम कैसा करेगा नहीं पता और वाटर प्रूफ है या नहीं है वो भी नहीं पता बट मैं ट्राई करके बताऊँगी अच्छा लास्ट हमारे पास सबसे आखिरी चीज़ जो बची है ना वो है जी ये सेवन कूल का एक्स्ट्रा शिमर सुपर शाइनी पाउडर हाईलाइटर्स तो यही सेवन कूल कंपनी के ऐसे ही वाले मैंने ब्लश ट्राई किए हैं काफ़ी पिगमेंटेड थे बहुत अच्छे थे वो ऐसे ही पाँच उसमें शेड्स थे ये हाईलाइटर मैंने कभी ट्राई नहीं किया है और इसके अंदर पांच शेड्स हैं डार्क ब्राउन है पिंक है सिल्वर है थोड़ा सा ऑफ वाइट है और एक ही थोड़ा सा रोज़ गोल्ड और डल गोल्ड टाइप का हाईलाइटर है तो इसको खोल के आपको मैं दिखा रही हूँ ये इसके शेड्स हैं बाकी इसकी परफॉर्मेंस वगैरह कैसी है काम कैसा करेगा वो आपको मैं वीडियो में बताती हूँ आगे चल के तो ये थी सारी चीज़ें जो कि भी आपके सामने मैंने अनबॉक्स की हैं दराज से ऑर्डर की थी मैंने सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको बाय करनी हो तो देख लेना अब ये मैं रिव्यू करूँगी तो आई थिंक दो तीन दिन बाद मैं इसका बाकी के वीडियो कंटिन्यू करूँगी हेलो जी वेलकम बैक तो आपके लिए तो सेम ही वीडियो है बट असल में इन रियल टाइम तीन चार दिन निकल चुके हैं अच्छा तो मैं सारी चीज़ें ट्राई कर चुकी हूँ एक दफ़ा तो मैंने इन सारी चीज़ों से पूरा का पूरा मेक ओवर किया बाकी फाउंडेशन आई थिंक मैंने तीन चार बार ट्राई किया लिपस्टिक भी मैं ट्राई कर रही थी और मस्कारा वगैरह भी मैं डेली यूज़ कर रही थी तो अब मैं आपसे रिव्यू शेयर करती हूँ वन बाय वन सबसे पहले जी बात करते हैं इस प्राइमर के बारे में जो कि ऑब्वियसली मेकअप का फर्स्ट स्टेप होता है इसका नाम है एच यू एक्स आई ए और हदा ब्यूटी टाइप वाला जो ये प्राइमर है तो ये मैंने ट्राई किया आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ये सिलिकॉन प्राइमर होगा लेकिन ये बस एक जल है मतलब इसमें कोई प्राइम करने वाली प्रॉपर्टीज़ नहीं है आपके पोर्स वगैरह को फिल कर देता है ये बट उसको स्मूद स्मूद नहीं करता मतलब प्राइमर नहीं लगा मुझे ये बस एक जेल लगा जैसे वो ग्रीन वाली बॉटल में एलोवेरा जेल आता था, था ना एकदम उसकी तरह लगा मतलब स्किन मॉइस्चराइज हो गई थी ऑब्वियसली तो फाउंडेशन ब्लेंड अच्छे से हो रही थी लेकिन पोर्स और टेक्स्चर के बारे में आई एम नॉट श्योर कि ये उसको स्मूद करता है या नहीं क्योंकि मुझे तो फील नहीं हुआ बस स्किन मॉइस्चराइज और हाइड्रेट हो गई थी तो इसको मैं रेटिंग दूंगी थ्री आउट ऑफ फाइव थ्री बी सी ले क्योंकि मॉइस्चराइज़ कर दिया था स्किन को तो फाउंडेशन ब्लेंड बहुत अच्छी हो रही थी और स्टे भी कर रही थी बाकी उसके बारे में मैं श्योर नहीं हूं कि टेक्सचर को किस तरह से ये क्लियर करता है स्मूथ करता है ट्राई करना चाहो तो आप कर लेना बट आई वुड रिकमेंड के इससे अच्छे और लोकल प्राइमर्स मौजूद हैं जैसे कि मिस रोज़ का प्राइमर काफ़ी अच्छा है आप इसके आल्टरनेटिव वो ट्राई कर सकते हो तो ये तो हो गया जी प्राइमर का रिव्यू अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट चीज़ जो कि है लिक्विड फाउंडेशन तो इसका नाम है डेजी मी लिक्विड फाउंडेशन और इसका आपको मैं स्वाच वगैरह दिखा देती हूँ पहले तो ये लिक्विड फाउंडेशन है बहुत ज़्यादा थिन कंसिस्टेंसी है बिल्कुल भी इसकी आ, हैवी है क्रीमी कंसिस्टेंसी नहीं है बाकी जो इसका शेड है ना वो थोड़ा लाइट है मेरे स्किन टोन के हिसाब से और ऑक्सीडाइज़ भी होता है लेकिन बहुत माइनर ऑक्सीडाइज होता है इतना ज़्यादा डार्क नहीं होता है लेकिन शेड हाँ थोड़ा सा लाइट है तो आप लोग देख कर लेना अगर और शेड्स अवेलेबल हों तो, तो अपने हिसाब से ले लेना अच्छा जी अब अगर कवेज की बात करें तो उसकी कवरेज लाइट टू मीडियम है और मीडियम भी इस हिसाब से है कि अगर आप इस पर डबल लेयर लगाओ यानी बिल्डबल है तो अगर आप उसको बिल्ड करोगे तो अच्छी कवरेज दे देगा लेकिन वैसे आई वुड से कि लाइट ही कवरेज है उसकी इतनी ज़्यादा कोई हैवी एकदम ब्राइडल वाली कवरेज नहीं है और इसके अलावा बहुत अच्छे से ब्लेंड होती है ये इसको अगर आप उंगलियों से ब्लैंड करोगे ना तो बहुत आराम से स्मूथली आपकी स्किन पर ब्लेंड हो जाएगी बिल्कुल भी आपको हार्ड टाइम नहीं देगी इसके अलावा इसका जो फील है इसका जो आफ्टर इफेक्ट है वो काफ़ी स्किन लाइक -like है और हाइड्रेटिंग फाउंडेशन है ना उसकी तरह है अगर आपने मेबलिन की फिटी फाउंडेशन यूज़ की हुई है तो आपको पता लग रहा होगा मैं किस बारे में बात कर रही हूँ यू वुड अंडरस्टैंड इट जैसे मेबलिन की फिटमी से आपको बहुत स्किन लाइक फील होता है जैसे हमारी अपनी ही स्किन है आपके जो फ्लॉज होते हैं वो कवर भी हो जाते हैं बट फिर भी स्किन ही तरह लगता है हैवी फाउंडेशन नहीं लगती है वो तो बिल्कुल ऐसे ये डेजी मे की लिक्विड फाउंडेशन है बहुत स्किन लाइक फील करती है बिल्कुल भी हैवी आपको फटी फटी फाउंडेशन या हैवी वाली फाउंडेशन नहीं लगेगी अच्छा इसकी लास्टिंग की बात करें तो तकरीबन तीन से पाँच घंटे तक लास्ट करती है ये तीन घंटे तक बिल्कुल एज इट इज़ रहती है और पाँच घंटे या पाँच घंटे के बाद आपको शायद टचअप करना पड़ जाए पाउडर से लेकिन लास्टिंग इसकी आई वुड से तीन चार घंटे ही है तो इसको मैं जी रेटिंग दूंगी फाइव आउट ऑफ फ़ाइव बस इसका शेड अगर बिल्कुल अप्रोप्रिएट होता मेरे स्किन के हिसाब से तो और अच्छा हो जाता लेकिन वैसे परफॉर्मेंस वाइज़ काफ़ी अच्छी है मुझे बहुत पसंद आई है ये तो अगर आप ऑफिस या कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह के लिए कोई फाउंडेशन देख रहे हो जो कि बहुत अफोर्डेबल हो तो आप इसके बारे में सोच सकते हो अच्छी रहेगी ये अच्छा so नेक्स्ट हमारे पास है जी ये स्पेनी का वेट केक तो ये जो वेट केक है ये मैं आपको बताया था कि एक्वा कलर की तरह जो होता था लिक्विड सा जो केक होते थे ये उसी की तरह है लेकिन ये उससे कहीं ज़्यादा अफोर्डेबल है अच्छा अगर इसकी परफॉर्मेंस की बात करें सबसे पहले आपको मैं इसकी कवरेज को बताती हूँ यार इसकी ना बिल्कुल हाई कवरेज है क्योंकि जब पहली बार मैं इसको ट्राई कर रही थी तो मैंने सिर्फ उंगली से लेकर बिना कंसीलर के बिना प्राइमर के डायरेक्टली जो मेरे एक्खनी के माँ के जो डार्क सर्कल है ना उस पर मैंने लगाया था और एक ही सॉच में फिंगर की हेल्प से ही मैंने उसको बस ब्लेंड किया था और बिल्कुल गायब हो गए थे बिल्कुल नहीं दिख रहे थे हाइड हो गए थे सही से तो इतना तो मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ कि इसकी हाई कवरेज है इसके शेड थोड़ा सा हाँ गेन लाइट है मेरे लिए बट ये ऑक्सीडाइज हो जाता है स्किन के हिसाब से तो आई थिंक मेरे लिए ओके हो गया था ये आप अपने हिसाब से देख लेना अच्छा इसके अलावा ये इतनी ज़्यादा ब्लेंडेबल वेट केक नहीं है मतलब ईजी टू ब्लेंड नहीं है थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा थोड़ी सी दिक्कत होगी लेकिन अगर आप ब्रश की हेल्प से ब्लेंड करोगे तो काफ़ी अच्छे से सीमलेसली आपकी स्किन पर यह एब्जॉर्व हो जाएगा ब्लेंड हो जाएगा उंगलियों से नहीं करना इसके अलावा जो वेट ब्लेंडर होता है ब्यूटी ब्लेंडर उससे भी नहीं करना ब्रश से बहुत अच्छे से फटाफट अप्लाई हो जाएगा ये अच्छा इसके अलावा अ लिटिल गोज़ अलॉन्ग वे मतलब आप बिल्कुल थोड़ा सा अगर इसकी क्वांटिटी लोगे ना मतलब एक उंगलियां बस स्वैच करके आप इसको अपनी आंखों पे लगाओ फेस पे लगाओ तो समझो आपका आधा फेस कवर हो जाएगा उस एक उंगली के स्वाच पे क्योंकि इतनी सी क्वांटिटी ना आपका पूरा फेस कवर कर सकती है तो ये अच्छी बात है इसकी कि आपकी थोड़ी सी क्वांटिटी में पूरा आपका फेस का जो फाउंडेशन है जो बेस है वो रेडी हो जाएगी इसके अलावा अगर लॉन्ग लास्टिंग की बात करें तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग है तकरीबन सात घंटे तक ये एक्जैक्टली लगा रहता है तो मैं तो सच्ची बताऊँ उसकी परफॉर्मेंस है बहुत ज़्यादा हैरान हूँ क्योंकि इतना सस्ता प्रोडक्ट है ये और इतनी अच्छी कवरेज है मतलब एकदम हाई वाली कवरेज है लॉन्ग लास्टिंग है थोड़ी सी क्वांटिटी चाहिए होती है और मतलब सभी कुछ बेस्ट है इसके बारे में यार तो इफ यू वॉन्ट टू ट्राईट तो देख लेना पार्टी मेकअप के लिए रिकमेंड करूँगी इसको जैसे पार्टी मेकअप नहीं अगर आप किसी ओकेजन पर जा रहे हो या किसी इवेंट पर जा रहे हो शादी वगैरह पर जा रहे हो तो ये वाली यूज़ करोगे तो काफ़ी अच्छी कवरेज जा आ जा जाएगी तो इसको मैं रेटिंग्स दूंगी फाइव आउट ऑफ फाइव ऑब्वियसली मतलब अच्छी चीज़ रिकमेंडेड है, है अच्छा नेक्स्ट जी हम लोग रिव्यू करते हैं एस अपटाउन एल ए लूज पाउडर को तो ये लूज़ पाउडर जो है ना यहाँ पे पहले खोल के दिखा देती थी उसका शेड बस उसके शेड से अगेन मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है ये कैमरे पे इतना पता नहीं लग रहा है लेकिन ये ना बहुत औरेंजी और थोड़ा डार्क शेड है मतलब ट्रांसलूसेंट पाउडर या जो बेकिंग पाउडर होते हैं वो कंपेरेटिवली आपके स्किन से लाइट होते हैं मतलब चिट्टे होते हैं थोड़े लेकिन ये डार्क है और काफ़ी औरेंजी है कैमरे में आई डोंट नो ये सही शो नहीं हो रहा है मैं सॉस भी दिखा रही हूँ आपको तो बस मुझे वो थोड़ी सी प्रॉब्लम थी बाकी इसकी परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो बहुत थिन है काफ़ी क्लाउडी फील होता है आपकी स्किन पर लगाने के बाद इसके पार्टिकल्स नजर नहीं आते हैं एकदम से गायब हो जाता है ब्लैंड हो जाता है हो जाता है तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है इसकी स्किन इस पर सेट काफ़ी अच्छे से होता है यानी मेकअप बहुत फ्लॉलेस बना देता है आपका और इसको यूज़ करने के बाद ना पसीने भी बहुत कम आते हैं चीज़ मैंने नोट की थी बाकी इसके अलावा मेरी तरफ से यार रिकमेंडेड है अच्छा पाउडर है स्किन पे अच्छा फील होता है किसी हाई एंड पाउडर की तरह ही लगता है यूज करने में बस ये कि लॉन्ग लास्टिंग बहुत ज़्यादा नहीं है बाकी वैसे ओवरऑल अच्छा है इसको मैं रेटिंग दूंगी फोर आउट ऑफ फाइव मुझे पसंद आया ये बस शेड अगर इसका सही होता तो बेस्ट हो जाता चलो जी अब इस ब्लश को देखते हैं इसका नाम है जी सिटी कलर बी मैट ब्लश और इसका शेड है जीरो सेवन स्टार है पीछे बाकी चाइनीज में मुझे नहीं पता क्या है अच्छा आई हैव नेवर यूज्ड सच कूल टोंड पिंक कलर फॉर ब्लशेस बट टू माय सरप्राइज इट लुक प्रिटी मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा था ऐसे आपका स्वाच भी देखोगे तो आपको काफ़ी पाउडरी पिंक लग रहा होगा अच्छा नहीं लग रहा होगा देखने में लेकिन वैसे रियल में मेकअप के ऊपर काफी अच्छा लग रहा था बहुत लाइट सा था बहुत पिटी सा डिसेंट सा लग रहा था और मतलब एक लाइट समझो पिंक फ्लश ऑफ कलर आ रहा था तो मुझे तो अच्छा लगा था बाकी ये बाकी पिगमेंटेड भी है बस इसके अपने कलर की वजह से थोड़ा सा लगता है कि इसमें इतना ज़्यादा वार्म कलर नहीं है ये कलर अच्छा नहीं है वैसे मुझे लग रहा है कि ये पिगमेंटेड तो है अच्छा इसके अलावा स्टे काफ़ी अच्छा करता है स्किन पे आई थिंक दो तीन घंटे तक तो काफ़ी अच्छा कलर लगा रहता है उसके बाद फेड ऑफ आना स्टार्ट हो जाता है और लुक्स नाइस यार मतलब देखने में अच्छा लगता है तो उसको मैं रेटिंग दूंगी फोर आउट ऑफ फाइव मतलब मेरा सेफेस्ट ब्लश कलर तो नहीं है यूज़ करने के लिए मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ ब्राउनिश और जो थोड़े से ऑरेंज ही टोन में होते हैं तो पिंक्स मैं इतने यूज़ नहीं करती हूँ लेकिन जो पिंक ब्लशज़ यूज़ करते हैं उनको शायद ये पसंद आएगा या आप अगर कोई न्यू कलर ट्राई करना चाह रहे हो तो यू कैन गो फॉर इट अब जी मेरे पास है ये क्यूट सा मेकअप प्रोडक्ट जो कि है मिस लारा का ब्लशर एंड हाइलाइटर इसकी तारीफ ऑलरेडी मैं स्टार्ट में कर चुकी हूँ मैं सीधा सीधा रिव्यू देती हूँ आपको तो तीन इसके पार्ट्स हैं तीन कंपार्टमेंट्स हैं ऊपर वाले में हाईलाइटर है सेकेंड वाले में मैट पिंक ब्लश है और लास्ट वाले में जी हमारे पास पिंक हाईलाइटर है अच्छा आपने नोट किया होगा आई शेड तो मैंने लिया नहीं है इस वीडियो में बाय द वे अगर आपको लेना अफोर्डेबल तो उसका लिंक मैं ऐड कर दूँगी आप देख लेना तो जब मैंने इस पूरे मेकअप से मेक किया ना तो मैंने इसी के हाईलाइटर वाले पार्ट से और ब्लश वाले पार्ट से आई मेकअप भी किया था मतलब मैट से मैंने पहले डेप्थ क्रिएट की और फिर इसका जो गोल्डन वाला हाईलाइटर है ना इससे मैंने शिमर लगा लिया हालांकि मुझे पता है ये ब्लशर और हाईलाइटर किट है लेकिन इसने आई शेड भी काफी अच्छे से काम किया है काफी अच्छा स्टे भी किया है इनफैक्ट और पिगमेंटेड भी काफी ज्यादा है इसके शेड चाहे हाईलाइटर वाला हो ब्लश वाला हो काफी अच्छा कलर है बहुत अच्छा स्टे है तो मेरी तरफ से अगेन रिकमेंडेड दे है देखने में बहुत क्यूट है अफोर्डेबल भी है मिरर वगैरह भी दिया हुआ है ईजी टू कैरी है तो ट्राई करना अगर आपको लेना हो तो अच्छा जी आप देखते हैं ये वाला सेवन कूल का एक्स्ट्रा शिमर सुपर शाइनी पाउडर हाईलाइटर ये जो पांच हाईलाइटर का सेट है अच्छा ये भी मुझे अकॉर्डिंगली प्राइस सस्ता मिला था जो मैंने ऐसा ब्लश वाला मार्केट से लिया था लोकल मार्केट से वो मुझे मिला था छः सात सौ रुपये का या आई थिंक साढ़े तीन सौ तक का मिला है मुझे तो मतलब जाहिर सी बात है उससे तो बिल्कुल आधा ही प्राइस हो गए हैं और आप में से काफी सारे लोगों ने ऑलरेडी ट्राई भी किया हुआ होगा काफ़ी फेमस सा हाईलाइटर है अच्छा है पिगमेंटेड है शेड्स का स्वॉच मैं आपको दिखा रही हूँ पाँच के पाँच इसमें से जो सिल्वरिश और थोड़ा ऑफ वाइट सा कलर है सबसे ज़्यादा वो पिगमेंटेड है और जो थोड़ा सा मैट गोल्ड टाइप वाला है वो मेरा फेवरेट कलर है इसमें तो एज अ हाईलाइटर काफ़ी अच्छा है और ऐसा नहीं है कि गोल्डन शिमर की तरह है कि बस लगेगा स्ट्रॉक लगाया हुआ कोई जैसे प्रॉपर हाईलाइटर होते हैं जैसे अपना फेस मूव करो यहाँ वहाँ देखो जब लाइट की शाइन पड़ती है तो ही नज़र आते हैं ये वो होती है असल अच्छे हाईलाइटर की पहचान कि वो फेस पर ना बहुत फेक नहीं लगता बहुत नेचुरल सा ग्लो वाला हाईलाइट लेके आता है तो मेरी तरफ से अगेन रिकमेंडेड है बहुत अच्छा है बजट डील है कम प्राइस में काफ़ी सारे शेड्स मिल रहे हैं सो गेट दिस वन और कई साल चलेगा ये आराम से बाकी इसको मैं रेटिंग दूंगी ऑब्वियसली फाइव आउट ऑफ फाइव बेहतरीन चीज़ है अच्छा जी अब देखते हैं ये वाला लिक्विड आई लाइनर थर्टी सिक्स आवर्स वाला जो लाइनर है इसको मैं ऑलरेडी एक दफ़ा बहुत पहले यूज़ किया था उस टाइम पे यार ये या बहुत अच्छा था लेकिन अब जब मैंने इसको ट्राई किया है ना तो काफ़ी इसका ड्राइंग फॉमूला है मतलब आपको मैं स्ट्रोक भी लगा के दिखा रही हूँ अपनी हथेली पर मतलब एकदम से आ, अच्छे से अप्लाई नहीं हो रहा फ्लॉलेसली अप्लाई नहीं हो रहा थोड़ा सा ये अटक रहा है ड्राइंग फार्मूला यानी कि लेकिन जब एक दफा आप इसको उल्टा करके रखो ना ऐसे और एक दो बार झाड़ो जैसे हम पैन की खत्म हो जाती है झाड़ते हैं तो उसके बाद काफ़ी अच्छे से काम करता है ये और हाँ ये वाटर प्रूफ है ये स्मज प्रूफ भी है पानी लगे अगर तो एकदम से साफ़ नहीं होता अंटिल एनलैस कि आप इसको रगड़ो या फिर जो मिसलर वाटर होता है और कॉटन पैड से साफ करो तो वाटर प्रूफ तो ये डेफिनेटली है तो वैसे अच्छा है ये ओवरऑल इसको मैं रेटिंग दूंगी फोर आउट ऑफ फाइव लेकिन इससे ज़्यादा अच्छा ना मुझे वो पिंक फ्लैश का जो पिंक वाला लाइनर है वो ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे अच्छा जी अब देखते हैं ये मस्कारा जो है हमारे पास वॉल्यूमिनाइजर मस्कारा जिसके टू स्टेप्स हैं फाइनली इसको मैंने फिगर आउट कर लिया है इसका सीन पता ही क्या है जो उसका फर्स्ट स्टेप वाला जो है ना ये वाला जो मस्कारा वाला पार्ट है ये जनाब आपकी लैशेज़ को ब्रश करता है और उन पर ना बहुत हल्का हल्का सा बिल्कुल ना दिखने वाला मस्कारा लगा देता है मतलब प्रेप कर देता है सही से सेपरेट कर देता है लैशिज़ को रेडी कर देता है वॉल्यूमेनाइज़र लगाने के लिए और जो सेकेंड स्टेप वाला है जिसका नाम वॉल्यूमेनाइज़र है ये वाला जी आपके लैशिज़ पे नॉर्मल मस्कारा की तरह मस्कारा लगा देता है लेकिन इसकी बेस्ट बात यह कि लैशिज़ को क्लंप नहीं करता है क्योंकि वो हम ब्रश कर चुके होते हैं तो ज़ाहिर है लैशे सेपरेट रहती हैं तो काफ़ी अच्छा और नेचुरल लुक आती है प्लस बहुत लाइट वेट है अभी मैंने इनफैक्ट जो वॉइस ओवर कर रही हूँ मैंने लगाया हुआ है ये मस्कारा तो बिल्कुल पता भी नहीं लगता कि आपने कुछ लगाया हुआ है और वाटरप्रूफ ये एग्जैक्टली हंड्रेड परसेंट वाटर नहीं है इसको हम कह सकते हैं एटी परसेंट वाटर प्रूफ एक दफा अगर आप पानी अपने मुंह पे स्प्लैश करोगे तो नहीं हटेगा लेकिन अगर हल्का सा प्लेशस इसको टच करोगे ना तो ये बहना शुरू हो जाएगा तो आई थिंक सेवेंटी एटी परसेंट हाँ लेकिन वाटर है अच्छा है मेरी तरफ से रिकमेंडेड है लेकिन एक प्रॉब्लम बस इसकी है कि मैंने जो ऑर्डर किया था ना वो 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 थर्टी सिक्स आर वाला था दूसरा वाला ये लोगों ने मुझे खुद से भेजा है तो आई थिंक आपको ऑर्डर करने से पहले मैसेज करना होगा कि आपको यही वाला चाहिए थर्टी सिक्स आर नहीं चाहिए ताकि वो यही भेजें तो जी ये हो गया जी मस्कारा अब हम लोग देखते हैं लैशेज़ और वो लैश ग्लू हाँ अच्छा तो ये ग्लू है हमारे पास डुओ स्ट्रिप लैश एडेसिव ग्लू काफ़ी जल्दी ड्राई हो जाता है तो आपको बहुत देर सुखाने के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा बेस्ट चीज़ इसकी ये है ट्रांसपेरेंट है मतलब लगाने के बाद दिखेगा नहीं और लॉन्ग लास्टिंग भी बहुत है मेरी तरफ से रिकमेंडेड है मतलब इतना अच्छा ग्लू है ना ये आप इसको लगाओगे जब तक लैशेज़ को पकड़ के खींचोगे नहीं ना ये निकलेगा नहीं और ये ये वाली लशेज़ के अलावा जो घर पे पड़ी हुई थी उनके साथ भी मैंने ट्राई किया है तमाम लशेज के साथ ये काफ़ी अच्छा है एक प्लास्टिक वाली भी पड़ी हुई थी उसे भी ट्राई करके देखा है मैंने उसे भी काफ़ी अच्छा है तो रिकमेंडेड है सॉलिड फाइव आउट ऑफ़ तो फाइव अच्छा ये जी हमारे पास आ गई लेशेज़ जो कि मैं कह रही थी बहुत खतरनाक लग रही हैं लेकिन लगाने के बाद अच्छी लग रही थी हैं मतलब ऐसे देखने में लग रही हैं बहुत ज़्यादा बड़ी हैं लेकिन लगाने के बाद काफ़ी अच्छी वॉलूमाइज सी लुक आ रही थी तो अगर आप कभी शादी वगैरह में जाओ कोई किसी की इंगेजमेंट वगैरह हो कोई पार्टी वगैरह हो अगर आपका अपना इवेंट हो आपको हैवी मेकअप करना हो तो आप ये लैश ट्राई कर सकते हो जीरो कोड है इसका मिसरोज थ्री डी लैश और बिल्कुल रियलिस्टिक लगती हैं बाय द वे बिल्कुल रियल बाल की तरह लगती हैं और अप्लाई भी काफ़ी अच्छे से होती है बस ये इसके साइड पे जो एंड्स निकले हुए ना वो आप याद से ट्रिम कर देना मैंने किए नहीं मैं भूल गई थी तो ये लैशेज़ भी जी रिकमेंडेड है फाइव आउट ऑफ तो फाइव वाला सीन है अब जी बारी है हमारे पास लास्ट चीज़ की जो कि है लिपस्टिक्स पूरी वीडियो का सबसे ज़्यादा सस्ता मेकअप प्रोडक्ट यही है मतलब ये मुझे कॉस्ट किया एक लिपस्टिक थर्टी फाइव रुपीज़ और नॉर्मल मार्केट में आई गेस डेढ़ सौ दो सौ या ढाई सौ तक की मिलती है तो जाहिर सी बात है बहुत सस्ती है बाहर से अच्छा देखने में इतनी कोई हाई क्वालिटी नहीं लग रही है और सही बताऊँ तो इतनी ज़्यादा अच्छी है भी नहीं लेकिन प्राइस के हिसाब से आई वुड से फाइव आउट ऑफ फाइव है मतलब हम तो इसको उसके प्राइस के हिसाब से ही जज करेंगे ना जितनी है ये मतलब पैंतीस रुपये की एक लिपस्टिक है तो वट एल्स यू आर एक्सपेक्टिंग लेकिन इसके मैं सही सही आपको फ्लॉज बता देती हूँ एक तो जी ट्रांसफर प्रूफ नहीं है अगर आपने लिपस्टिक पर लगाते हो और हल्का सा हाथ भी टच करोगे या पानी पियोगे ना अच्छी खासी उतर जाती है ये। और स्टे इस स्टेबी इसका इतना ज्यादा नहीं है दो घंटे तक सही लगी रहेगी उसके बाद आपको रिप्लाई करनी पड़ेगी बट शेड्स की रेंज इज बॉम डॉट कॉम बहुत ही प्यारे प्यारे शेड्स हैं इसमें सबसे पहले आपको अपना फेवरेट वाला दिखाती हूँ मैं सॉच करके ये थोड़ा न्यूड ब्राउनिश टाइप का कलर है लिप्स पे इतना प्यारा लगता है ना ये बहुत अच्छा लगा है मुझे शेड ये दो तीन बार मैं इस्तेमाल भी कर चुकी हूँ बाहर जाते हुए इसके अलावा ये थोड़ा ब्राइट रेड टाइप का कलर है काफी अच्छा है ये अच्छा आप देख रहे हो उसको सॉच करते हुए थोड़ी सी एफर्ट लग रही है एक दो बार करके लगाना पड़ रहा है दैट मीन्स कि बहुत ज्यादा क्रीमी फॉर्मूला नहीं है इसका थोड़ा सा ड्राइंग है थोड़ी सी एफर्ट लगती है लेकिन इतनी भी मेहनत नहीं लगती है, खैर है, इतना चलता है अच्छा मैं बैक कैमरा जल्दी से सारे सॉच करके आती हूँ ताकि आप लोग देख सकें इसके शेड्स कैसे हैं एंड हेयर गो यह आप देख सकते हो सारे के सारे मैंने सॉच कर दिया है और काफ़ी प्यारे प्यारे शेड्स हैं और इन सब पे ना मुझे तकरीबन तीन चार बार स्ट्रोक करना पड़ा है तब इतना अच्छा पिगमेंट आया है तो मतलब क्वालिटी में हाँ इसको कह सकते हैं क्वालिटी के हिसाब से ना ये थ्री आउट ऑफ फाइव है बट इसके प्राइस का मार्जिन तो बनता है तो मैं इसको रेटिंग दूंगी फोर आउट ऑफ फाइव तो सारे इसको ऑनस्टली मैंने आपको रिव्यू बता दिया है लिपस्टिक्स का आपकी मर्जी आपने लेना तो देख लेना लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड आई गेस हाँ ये सारी की सारी चीज़ें थी जो कि मैंने आपको दिखाई हैं स्टार्ट से एंड तक मैंने परसों तरसों उसकी अनबॉक्सिंग की थी आपके साथ और अभी मैंने आपसे सबका रिव्यू शेयर कर दिया एकदम जेनवन वाला ऑनेस्ट वाला आपको पता अच्छा आप लोग कॉमेंट करके जरूर बताना कि इन सब में से आपको सबसे अच्छा मेकअप प्रोडक्ट कौन सा लगा है और आपने ट्राई किया हो तो मेरे रिव्यूज़ भी शेयर कर लेना और मुझे कॉमेंट में बताना कि वीडियो कैसी लगी है क्योंकि मुझे तो पर्सनली काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़े का आइडिया लगा था कि जी सस्ते वाले मेकअप बाय करते हैं दराज से फिर उनका रिव्यू करेंगे तो लेट मी नो कैसी लगी है एंड बाय द वे आज से मैं अपनी वीडियोस के एंड में ना शाउट आउट देना स्टार्ट कर रही हूँ मतलब प्रीवियस वीडियो से कोई भी रैंडमली मैं कॉमेंट पिक करूँगी और उनको शाउटआउट दूँगी तो आप लोग उनको जरूर फॉलो कीजिएगा एंड टूडेज शाउटआउट गोज टू मोहम्मद एंड मामा इनका चैनल जरूर चेकआउट कीजिएगा एंड इफ यू वॉन्ट टू गेट अ शाउट आउट इन माई नेक्स्ट वीडियो कॉमेंट डाउन बेलो एंड सब्सक्राइब दैट वॉज इट फॉर द वीडियो अल्लाह हाफिज़ अपना अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा बाय बाय